देखिए, जब भी फ्रॉड की बात होती है तो हम नटवर लाल की बात करते हैं, लेकिन आज की डेट में अगर इंडिया के सबसे बड़े फ्रॉडस्टर की बात हो तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है सुकेश चंद्रशेखर का। जजेस को धमकी देके बेल लेनी हो, जेल के ऑफिसर्स की मंथली सैलरी सेट करनी हो, बॉलीवुड हीरोइनों को गिफ्ट देने हो, इनफैक्ट फ्रॉड के पैसे को उठाने के लिए पुलिस की गाड़ी तक यूज करना हो, हर एक चीज इसने इतने अलग तरीके से की है कि इसके ऊपर मूवी बनाने के लिए फिल्म प्रोडक्शन हाउसेज में होड़ मची हुई है कि पहले हमें कॉपीराइट मिल जाए। सुकेश के ऊपर 30 से ज्यादा FIR है, मल्टीपल स्टेट की पुलिस और इंडिया की 3 एजेंसीज पीछे पड़ी हैं। 2007 में जब ये 17 साल का था तब इसने अपना पहला कारनामा किया था, जिसमें इसने अपनी एक फैमिली फ्रेंड थी इसकी, उसको कन्विंस कर लिया था कि बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जो उस औरत की जमीन फंसी हुई है उसको ये दिलवा देगा, और ये झांसा देके ये 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए लेके गायब हो गया। 17 साल की उम्र से 1 करोड़ रुपए की धांधली कर रहा, जिस एज में लोग ये डिसाइड करते हैं कि साइंस लें या कॉमर्स, उस टाइम पे 1 करोड़ छाप रहा था। लालच बुरी बला है, ये चीज जितने अच्छे से सुकेश ने इंडिया के बड़े बड़े पावरफुल लोगों को समझाई है वो कोई नहीं समझा पाया।